प्लस का साइन तो हम लोगों ने बहुत यूज किया स्टडी में, और उसी प्लस के साइन से हम लोग ड्रॉ करने वाले पोर्ट्रेट। रेफरेंस में हमें वही प्लस का साइन ड्रॉ करना है सेंटर में, और ड्रॉइंग शीट में भी ड्रॉ करना है। इसके बाद जो भी रेफरेंस में आपको टच होगा ना लाइंस उस प्लस साइन से, तो आपको ड्रॉइंग शीट में भी ड्रॉ करना है एग्जैक्टली वही। आप मेजरमेंट भी ले सकते हो, और यहाँ पे जितने भी आउटलाइन है पहले हमें कंप्लीट करना है, उसके बाद जितने भी टच हुए हैं ना उस लाइन से एक एक ऑब्जेक्ट जैसे आई नोज लिप्स हमें ड्रॉ कर लेना है। और ये जो पहला लेयर जो है ना ये बहुत ज़्यादा रफ होने वाला है, तो आप बहुत ज़्यादा उस पर टाइम नहीं दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग फेयर भी करने वाले हैं। हम लोग आउटलाइन का पेंसिल यूज़ करेंगे 4B, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग आउटलाइन बनाएंगे। अगर आप चाहें ना तो इसको आप थोड़ा इरेज भी कर सकते हो जो पहला लेयर है, उसके बाद फेयर करोगे तो और ज़्यादा क्लीन आउटलाइन निकल के आएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फुल वीडियो भी है, आप जाके उसको भी देख सकते हैं।